हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में मेलिंग स्टेप के बारे में, कि ये मेलिंग स्टेप होता क्या है, इसका यूज क्या है और किस कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो देखिए, जो मेलिंग स्टेप है ना, ये काम के आधार पर इसका नाम दिया गया है। मतलब कहते हैं ना, मेल कर दो मतलब संदेश भेज दो। ठीक है, तो मेलिंग स्टेप, ठीक है, हम एक जगह से इंफॉर्मेशन अगर दूसरे जगह पे कोई भेजना है तो उस कंडीशन में इस मेलिंग स्टेप का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें ऑप्शन जो दिए गए, किस ऑप्शन का क्या यूज है वो समझिए। जो पहला ऑप्शन दिया वो दिया है यहाँ पे क्रिएट ग्रुप में, और क्रिएट में जो पहला ऑप्शन दिया वो दिया इनवेलॉप, और उसके बाद से दिया लेबल। इन वेलोप्स मतलब क्या होता है बताइए, सुने होंगे आप लोग क्या होता है जी। इन वेलोप्स मतलब लिफाफा, ठीक है, आप लोग जानते हो, ठीक है, जो नहीं जानते हैं जान लें। जब भी अगर कोई कहता है इन वेलोप्स चाहिए, इसका मतलब वो लिफाफा के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगला है लेबर। तो पहले इन वेलोप्स के बारे में समझिए। आप लोग इस समय देखते हो, सपोज मान लो मुझे यही रिमोट, यह रिमोट मुझे पड़ौना से गोरखपुर भेजना है, ठीक है। पड़ौना से क्या करना है, गोरखपुर भेजना है, लेकिन किसी पर्सन के द्वारा हम डायरेक्टली नहीं भेज रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज रहे हैं, कॉरियर कर रहे हैं। तो आप लोग देखे होंगे ना, एक लिफाफा खरीद के हम लोग ले जाते हैं, और उस लिफाफा के अंदर रखने के बाद से उस लिफाफा के ऊपर लिखते हैं इंफॉर्मेशन कि भेजने वाला कौन है और पाने वाला कौन है, कहां से कहां पे भेजा जा रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी दिया है कि अगर कोई लेटर, कोई इंफॉर्मेशन आप एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हो तो इसका एक लिफाफा तैयार कर सकते हो, ठीक है। और उस लिफाफा पे दो ही मैटर लिखे रहेंगे, क्या, एक भेजने वाला का और एक पाने वाला का, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन, ठीक है। और उसी को कंप्यूटर से प्रिंट कर लेंगे, और प्रिंट करके उस डॉक्यूमेंट को उस लेटर पे चिपका, मतलब उस लिफाफा के ऊपर, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन बनाने के लिए। अब इससे लिफाफा नहीं बनता है, नाम रखा गया इनपे लोग, लेकिन इससे लिफाफा बनता नहीं है। उस लिफाफा के ऊपर जो मेटर टाइप होता है वो क्रिएट होता है, किससे, इनवेलॉप्स। इसमें सेंडर और रिसीवर का एड्रेस रहता है, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर इनका क्या है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन भरना वो भर सकते हैं, और उसको प्रिंट निकाल के और उसको उस लिफाफे में चिपका सकते हैं, ठीक है। बस अदर कोई इसका ज्यादा जरूरत है नहीं। और एक है लेबल। लेबल का मतलब यह होता है कि एक लेबल आप बना लीजिए, उस लेबल का बार बार इस्तेमाल करें। जैसे आप देखते हो मॉल वॉल में जाते हो तो आप लोग कपड़ा वपड़ा खरीदते हो तो देखते हो उसमें लेबल चिपकाया गया होता है, ठीक है। तो देखते हैं, एक जैसा जो कपड़ा होता है ना, सबका एक ही लेबल होता है, तो एक बार एक लेबल बना लेता है और उस लेबल को कई सारा प्रिंट कर देता है, और उसको निकाल के उस कपड़े पे प्रिंट करता जाता है, ठीक है। मतलब अदर जगह भी प्रिंट किया जा सकता है। मतलब लेबल का इस्तेमाल मतलब वही है, कुछ इंफॉर्मेशन का लेबल बनाइए और जहां पे जरूरत पड़े वहां पे चिपका दीजिए, इस्तेमाल कर दे, ठीक है। तो आप किसी का भी लेबल बना सकते हो, एमआरपी का बना सकते हो, किसी एड्रेस का बना सकते हो, किसी प्रोडक्ट का बना सकते हो, ऐसे कंडीशन में आप लेबल बना सकते हो। लेकिन रियल मेलिंग स्टेम में किस लिए दिया है, जो मेलिंग स्टेम में दिया है ना, इसका मतलब यह है कि इस लेबल पे कौन भेज रहा है उसका इंफॉर्मेशन नहीं दिखाया जाता, कौन भेज रहा है उसका इंफॉर्मेशन नहीं दिखाया जाता है, किसके पास जाने वाला है बस उसका इंफॉर्मेशन दिखाया जाता है। जैसे मैं आपको मेटर भेजा, उस लेवल पे क्या होगा, केवल आपका इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन मैंने भेजा है मेरा इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। मतलब जिसके पास जाएगा वो समझ जाएगा कि मेरे पास आया, किनके द्वारा आया, उसके अंदर मैटर जो होगा, ठीक है। लेकिन देखने वाला यह नहीं पता कर पाएगा, रास्ते में कोई ले लिया दीजिए, दे देंगे उनको, ठीक है, हम रिसीव कर रहे हैं, घर के ही है, तो नहीं पता चलेगा कौन भेजा है, ठीक है। केवल उसका एड्रेस रहेगा जो रिसीवर है, ठीक है, जहां पे वो सामान, ठीक है, वो लेटर डिलीवर होगा, ठीक है। तो लेवल से यह फायदा होता है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों को कैसे बनाते हैं। हाँ, आज के समय में भी यह इस्तेमाल हो रहा है।
यह दोनों इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद से जितने ऑप्शन है उसके लिए हम लोग इस समय अलग अलग चैप्टर के इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों करते हैं, अभी रीजन आपको समझाऊंगा तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। जी सर, इससे बढ़िया तुम्हारा व्हाट्सएप है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम आते हैं इनवेलोप्स पे क्लिक करते हैं, और इनवेलोप्स पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया दो। पहला है डिलीवरी एड्रेस, मतलब उसको डिलीवर कहाँ पे करना है, और उसके बाद दिया रिटर्न एड्रेस, मतलब अगर डिलीवर ना हो तो रिटर्न कहाँ पे आए, ठीक है। तो मतलब यूं समझ लो यह रिसीवर का एड्रेस है, ठीक है, और यह सेंडर का एड्रेस है, मतलब हम सेंड करेंगे कोई सामान, अगर वहां पर व्यक्ति ना है और नौ पाया जाता है तो फिर से रिटर्न आएगा तो किसके पास आएगा, मेरे पास ही आएगा ना, इसीलिए इसका समझो इसमें सेंडर रिसीवर नहीं लिखा गया है, इसमें रिटर्न एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस लिखा गया है। तो हम यहाँ पे इसको समझो ये रिसीवर एड्रेस है और यह सेंडर एड्रेस है, तो रिसीवर मतलब किसको भेज रहे हैं उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और हम टाइप कर दिए रोहन के पास भेज रहे हैं शर्मा, इंटर। उसके बाद से उनका एड्रेस क्या है, एड्रेस जो है इनका वो है रामकोला, और मोबाइल नंबर जरूरी है क्योंकि रास्ते में अगर 9 मिले उसका एड्रेस सही से तो फोन करके पूछ ले। और भी डिटेल डाल दो, पिन कोड भी जरूरी है क्योंकि तो बिना पिन कोड का सामान पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, वो पिन कोड आइडेंटिफाई होना चाहिए। ये डाल दिया, अब पता नहीं गलत है सही है, जो भी है इंफॉर्मेशन डाल दिया, इसी को हम कॉपी कर लेंगे और लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और बस यहाँ पे नाम अब चेंज कर देंगे, कौन भेज रहा है तो मैंने लिख दिया अपना कहाँ से भेज रहे हैं, लिख दिया एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ठीक है। यह टाइप करने के बाद से हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, एक कहता है कि आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो, ठीक है, और एक तरीका है कि प्रिंट करने से पहले इसको अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करके देख लो, ठीक है, या इसमें कुछ चेंजिंग करना है तो ऑप्शन में जाके उसमें चेंजिंग कर लो। तो हमको अभी डायरेक्ट प्रिंट नहीं करना, हमको पहले अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना है और देखना कि इसका इंटरफेस कैसा आ रहा है, इसीलिए हम करेंगे कहाँ पे क्लिक, ऐड टू डॉक्यूमेंट। अब जैसे मैं ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा ना और यस करूंगा तो देखो हमारे सामने यहाँ पे आ गया, आया। अब यहाँ देखो उल्टा हो गया, मतलब वहां पे देखो ऊपर लिख रहे थे, ठीक है, वो नीचे आ गया और जो नीचे था ऊपर आ गया, मतलब यह किसका एड्रेस है जो सेंड कर रहा है, सेंडर का, और यह किसका है, रिसीवर का। और ऐसे देखो पेज भी छोटा हो गया, खूब बड़ा भी नहीं है, देखो पेज भी छोटा हो गया। और जब फाइल पे आएंगे और प्रिंट पे आएंगे तो ऐसे ही हम प्रिंट करके दे सकते हैं, ठीक है ना, और वही प्रिंट करेंगे उस लिफाफे पे चिपका दिया जाए, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अक्सर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ऑफिस में, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैनुअली वैसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस्तेमाल हमको कुछ भेजना है तो हम कहाँ करेंगे, नहीं करते हैं, लेकिन वही ऑफिशियल रूप से अगर कुछ भेजना है हमको तो उसके लिए करना जरूरी है, ठीक है, आना चाहिए, मैक्सिमम जगह इस्तेमाल होता है, कोई दिक्कत। चलो अगर मान लो इसमें कुछ और चेंजिंग करना है तो फिर इस पे क्लिक करके, और यहीं पे ऑप्शन दिया है चेंज, मतलब यहाँ पे चेंज कर दो, और यहाँ पे चेंज डॉक्यूमेंट में क्लिक करो सब चेंज हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करना है स्टाइल को तो इसके लिए ऑप्शन पे आ जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे, ऑप्शन पे, और ऑप्शन पे आने के बाद से यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है कि डिलीवरी एड्रेस में कुछ चेंजिंग करना है
मतलब बोल्ड करना है इसको बोल्ड कर दो, साइज को बड़ा छोटा करना हुआ कर दो, कलर करना है तो कलर कर दो, ये सब ऑप्शन दिया है। हम कलर मान लो कर देते हैं यहाँ पे ग्रीन, देखो कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइज भी हम चाहते तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, बस ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। रिटर्न एड्रेस में भी करना है जी, इसको भी बोल्ड कर दो, साइज थोड़ा सा बढ़ा दो, और साइज बढ़ाने के साथ साथ इसका भी कलर कर दो, रेड कर दो, ये कलर हो जाएगा। अब कैसे होगा अभी बताएंगे, बस ओके कर दो, और ओके करके देखो यहाँ पे आ गया यहाँ पे चेंज डॉक्यूमेंट, तो कलर भी चेंज किया जा सकता है, वो कलर हम चाहेंगे तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से, और चाहेंगे तो वहां से भी चेंज कर सकते हैं। अब यह क्यों आ रहा था आपको पता है, या जो हमारा मैटर वो सही से लिखा नहीं गया, स्पेस दबा दूंगा, स्पेस गायब हो गया, स्पेस यहाँ पे भी स्पेस, ठीक है। तो ये तरीके हैं, आप इसका यूज करके देख सकते हो, बहुत सिंपल स्टेप है, बनाया जा सकता है, इसमें किसी कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट। अगला मेलिंग स्टैम्प में लेबल, तो लेबल में बस एक ही का एड्रेस रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इस पे क्लिक करिए, और लेबल में हम किसी में से कोई एक ही एड्रेस डाल देते हैं, बस इन्हीं का, इन्हीं के बस भेजना है, पेस्ट कर दिए। अब बहुत छोटा छोटा आ जा रहा है, तो पेपर का साइज हम क्या करेंगे, सिंगल लेवल पे क्लिक करेंगे और पेपर का जो साइज है वो हम चेंज कर लेंगे, 1 पेज करते हैं, ओके करते हैं, आ गया ना यहाँ पे, बोलो अब बस कर देंगे क्या, ये जितना देना था ले ही दिया हमने, इंसर्ट ही करा दिया, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, प्रिंट भी किया जा सकता है, और इंसर्ट कराना था इंसर्ट भी किया जा सकता है, क्यों ऑप्शन नहीं दे रहा है, न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ऐसे देखो लेबल तैयार हो गया, एक पे कितना दो, तो, और ऐसा ही लेबल बहुत ज्यादा क्रिएट करना तो बस क्या करो, कंट्रोल सी और पेस्ट 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 पेस्ट, मतलब एमआरपी मान लो बना रहे हैं हम किसी लेवल का, ऐसे आप लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है, 2 कॉलम में कर देंगे डाटा को, तो और भी अच्छे से बनाया जा सकता है। तो एक बार जब प्रिंट करेंगे तो एक पेज पे इतना लेवल प्रिंट होगा, और डबल कॉलम कर देंगे पेस्ट, ये काम नहीं करेगा, एक ही लेवल लगेगा तो अच्छा रहेगा, अगर हम पे लेआउट से 2 कॉलम कर दे तो, देखो काम कर रहा है सही से ना, जैसा है ऐसे रहने देंगे, तो ये लेवल आप बना सकते हो इसको, बस अब जब फाइल पे आओगे प्रिंट पे आओगे तो ऐसे लेवल आपका दिखाई देगा, इस पेज भी बना दिया, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूंगा, कंट्रोल सी और क्या, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, जितना था उतना हमने बना दिया, इंटर पेस्ट इंटर पेस्ट, अब यहाँ पे आऊंगा फाइल पे प्रिंट पे, ये लेवल अपन के तैयार हो जाएगा इतना। तो एक-एक लेवल का जब जरूरत पड़ेगा क्या कर देंगे, प्रिंट तो एक बार कर देंगे, अब फाड़ फाड़ के लगाते रहेंगे, भेजते रहेंगे, पेपर खर्च कम लगेंगे, तो बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। क्या नाम है इस लड़के का जी, क्या नाम बाबू, मन नहीं लग रहा है, चलो 2-4 दिन और, अब ठंडा आ जाएगा, ठीक है, तो पंखा बंद हो जाएगा, तब तो नहीं लगेगा, देखो तो सच्चाई बता दिया, चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई कर लो सही से, चलिए यह तो था, यही दो इस्तेमाल इसमें हो रहा है। अब उसके बाद से देखो लिखा गया है स्टार्ट मिल मर्ज, कहा जाता है स्टार्ट मिल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम लोग एक साथ
ही मेल को कई सारे लोगों के पास भेज रहा हूँ। तो आप बताओ, आज के समय में व्हाट्सएप ग्रुप बना ले रहे हैं और 200 पता नहीं 97 या 57 या 56 लोगों को ऐड कर ले रहे हैं, और कोई लेटर हो या कोई एप्लीकेशन हो, कोई इमेज हो, कोई कोई भी डाटा हो, बस एक बार सेट कर दे तो 200 लोगों के पास चला जाता है बिना मेहनत किए, ठीक है। और सब लोग देख भी लेते हैं, ऐसे भेजे तो कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे क्या करते हो आप, सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर रहे हो, अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो, इसीलिए आज के समय में अगर कोई मेल करना होता है, कोई इन्फॉर्मेशन एक साथ कई सारे लोगों के पास भेजना होता है, इसका यूज नहीं करते। हाँ, ऑफिशियल रूप से कभी कभी लोग करते हैं, आप उसको भी इस्तेमाल नहीं करते, ईमेल का इस्तेमाल कर देते, ईमेल से डाटा को सेंड कर देते, ठीक है। इसीलिए इस समय इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन दिया तो मैं आपको बस दिखा दे रहा हूँ कैसे लोग बनाते हैं और कैसे भेजेंगे, तो नहीं भेजेंगे किस लिए, मतलब बना देंगे, मैनुअली जाएगा, मतलब आज के समय कोई मैनुअली भेज रहा है, मतलब बनाएंगे, मतलब एक मैटर रहेगा, 10 पेज पे प्रिंट होगा, सबका अलग अलग प्रिंट होगा, फिर प्रिंट करके हमको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तब वो जाएगा और रिसीवर जो होगा रिसीव करेगा, तब इंफॉर्मेशन पता चलेगा, तब वो आएगा। तो आज इससे ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। 15 साल पहले इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता था, क्योंकि यही तरीका ही था, ठीक है, कि हमारे पापा गए हैं बाहर कमाने, एक पत्र आता था, ठीक है, तो वो देखते थे, उसको ऑफिस से जाता था, हम लोग रिप्लाई देते थे, ठीक है, ये सब कंडीशन चलते थे ना। आज के समय ऐसा नहीं, जब जब बड़ा पतियाने का हेलो बात हो जाता है, लेकिन देखना तो देख भी लेते हैं, ठीक है। इसीलिए टेक्नोलॉजी आगे धीरे धीरे बढ़ता गया है और इस ऑप्शन को छोड़ता गया है, ठीक है। फिर भी दिया है तो हम आपको करके दिखा देते हैं, इसीलिए आप लोग बहुत ज्यादा परेशान इसके लिए मत रहिएगा, लेकिन हम टोटल प्रोसेस बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, आप लोग मन में क्वेश्चन चलेगा, सर इसका यूज किया है तो पहले बता दिए हैं कि आज के समय बहुत ही कम इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए हम करना क्या, हमको स्टार्ट मेल मर्ज पे आना है, और स्टार्ट मेल मर्ज पे आने के बाद से यही पे एक ऑप्शन आता है, देखो लेटर लिखा है ना, लेटर के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद से इनवेलोप तो हम बना ही दिए हैं, लेबल बना ही दिए हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट पर हम काम कर ही रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो देखो यहाँ पे मैसेज आ गया, ठीक है, क्या है, लेटर है, कोई ईमेल मैसेज है, कोई लिफाफा है, कोई लेबल है, कोई डायरेक्टरी है, हम लोग सर लेटर है, लेटर भेज रहे हैं हम। अब करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे देखो बगल में क्या ऑप्शन आता है, 6 स्टेप है इसको पूरा करने के लिए। अब करेंगे हम स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, फिर से पूछ रहा है कि यूज द करेंट डॉक्यूमेंट या स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब जो पहले जो जिसमें काम कर रहे उसका इस्तेमाल करना है, तो यूज द करेंट डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करो, और स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट मतलब पहले से सॉफ्टवेयर में बने बने टेम्पलेट है उसका इस्तेमाल करना है, तो इस पे क्लिक करो, और आप पहले से बना कर रखे हो उसका इस्तेमाल करना है, तो इस पे क्लिक करो। तो हम बोले नहीं सर, हम नया इस्तेमाल करना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, और इसीलिए फर्स्ट पे ही रहने देंगे और कर देंगे यहाँ से नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद से फिर से पूछेगा यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्या आप लिस्ट पहले से बना कर रखे हो जिनके पास भेजना है, वो तो लेटर था जो हमें बनाना है, और ये पूछ रहा आप लिस्ट बना कर रखे हो जिनके जिनके पास भेजना है, हमने बोला नहीं सर। फिर से कह रहा है कि सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कंटेंट्स, क्या आउटलुक में रखे हो, जैसे ईमेल कंटेंट्स है ना हम लोग का, ईमेल जीमेल का इस्तेमाल करते तो बहुत सारे लोगों का नंबर उसी में सेव कर रहे हैं, वैसे आउटलुक भी होता है, क्या आउटलुक में कोई रखे हो क्या, हमने नहीं सर इसमें भी नहीं रखा है, तो रखे कहाँ हो, तो कहीं नहीं रखे, नया बनाना है, इसीलिए करेंगे टाइप ए न्यू लिस्ट। क्या करेंगे, टाइप ए न्यू लिस्ट, और यहीं पे लिस्ट बनाएंगे जिनके जिनके पास भेजना है, एक ही मैटर को बस हम कर देंगे राइट, मतलब यहाँ पे क्रिएट, और क्रिएट करने बाद से देखो ये एड्रेस बॉक्स खुल गया, क्या खुल गया, एड्रेस बॉक्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे पूछेगा टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, सारा इंफॉर्मेशन भरना पड़ेगा, इसके लिए सबसे अच्छा आ जाओ कहाँ पे, कस्टमाइज कॉलम पे, और यहाँ पे लिखा गया फील्ड नेम, तो जो फील्ड हमको चाहिए वो ले लेंगे, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देंगे। फर्स्ट टाइटल चाहिए जी, फर्स्ट नेम भी चाहिए, लास्ट नेम भी चाहिए, कंपनी का नेम है चाहिए, एड्रेस रहने दो, एड्रेस टू नहीं चाहिए,
सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए, जिप कोड हमारे यहाँ बहुत कम चलता है, क्या चलता है पिन कोड, तो रिनेम कर दिया हमने, कहाँ पे क्लिक किया हूँ रिनेम पे, और लिख दिया पिन कोड, जिप कोड को पिन कोड, कंट्री ठीक है, होम फोन नंबर कोई मतलब नहीं है, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, वर्क फोन नंबर को हम कर देते हैं क्या फोन नंबर, ओके, ईमेल एड्रेस जरूरी है। अब यहाँ पे आप ऊपर नीचे इसको कर भी सकते हो, टाइटल चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, कंपनी नेम चाहिए, एड्रेस भी चाहिए, सिटी भी चाहिए, सिटी से पहले हम पिन कोड भी देना चाहते हैं, तो मूव अप ठीक है, उसके बाद फोन नंबर भी देना चाहते हैं मूव अप, उसके बाद से जीमेल आईडी भी देना चाहते हैं मूव अप, अब उसके बाद सिटी आएगा, तब स्टेट आएगा, तब कंट्री आएगा, समझे, बस कर देंगे ओके। अब ओके करके बस लिस्ट बना लेंगे, तो लिखेंगे मिस्टर रोहन, क्या है मिश्रा, कंपनी नेम जीआईटी में काम करते हैं, पढ़ रहा हो ना, पिन कोड क्या है 2743 04, मोबाइल नंबर क्या है जो है डाल देते हैं यहाँ पे, टैब, ईमेल एड्रेस पता नहीं लेकिन फिर भी हम नकली वाला डाल देते हैं, तुम लोग मत डालना नकली वाला, सिटी पड़ावना ये इनका, स्टेट यूपी है, कंट्री इंडिया ही है, एड्रेस टू मिस्टर सुरेश, मतलब जैसा नंबर ऐड करके ग्रुप बनाते हैं ना वैसे इसको भी ऐड करना पड़ेगा आपको, क्या है यादव कहाँ पे, तो जीआईटी में काम करते हैं, यह कहाँ के कसे यहाँ के, पिन कोड क्या है 2743 0, पता नहीं पिन कोड कसे यहाँ क्या है, मोबाइल नंबर जो हमने डाल दिया, ईमेल आईडी सुरेश है, तो डालना नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ईमेल आईडी पे कोई मैसेज नहीं करता, ज्यादातर नंबर उमर सही डालना, फोन करे तो पता चल जाए, इनका सिटी है कुशीनगर, स्टेट यूपी है, कंट्री इंडिया ही है, ऐसे आप टैब बटन दबा के मिस्टर अजय क्या है शर्मा, जीआईटी में भी रहते हैं, इनका एड्रेस क्या है राम कोला, पिन कोड क्या है 2743 04, मोबाइल नंबर नहीं पता है, ईमेल आईडी भी नहीं पता है, सिटी राम कोला ही है, जो पता है वो डाल देना, स्टेट यूपी है इंडिया, बस बना दिया ना। अब देखिए इतना बनाने के बाद सिर्फ चार ऑप्शन और दिए, इसका क्या यूज है, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे दिया न्यू एंट्री, और यहाँ पे दिया फाइन, और यहाँ पे दिया डिलीट एंट्री, और यहाँ पे दिया कस्टमाइज, तो कस्टमाइज से हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर दिए, जो एडिंग चाहिए वो ला दिए, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दिए, जिसको हटाना हटा दिया, रिनेम करना रिनेम कर दिया, बोलो। अब यहाँ पे दिया फाइन, जैसे मान लो हमको 10 लोग का लिस्ट दे दिया गया, मान लो हमने हमको 10 लोग का नंबर दे दिया, लोग अब इस ग्रुप में जोड़ देना, तो कई बार होता है कि कुछ लोग जोड़ते हैं कुछ लोग का भूल जाता है, अब बाद में पता चलता है कि हमारे में तो मैसेज नहीं आ रहा है, हम कहेंगे ग्रुप में जोड़े क्यों नहीं आ रहा है, तो कहो जुड़े ही नहीं है, तो किसको हम डांटेंगे कि तुमको नंबर दिए तो क्यों ऐड नहीं किए, ठीक है, तो हम सोच रहे हैं गलती होने से पहले क्या कर लें, चेक कर लें क्या वो लिस्ट हमको मिला तो बना चुके हैं कि नहीं बना चुके हैं, मान लो 100 लोग का लिस्ट बना था, अब 100 लोग का बना लिए, लेकिन हमको क्लियर करना है कि रमेश का मुझे डाउट है, रमेश का बनाया हो कि नहीं बनाया, सोहन का बनाया हो कि नहीं बनाया हो, तो इसके लिए हम तो खोजते रह जाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे फाइन, और फाइन मान लो हमको चेक करना है, पता नहीं सुरेश का बनाया हो कि नहीं बनाया हो, बस सुरेश पे क्लिक करूंगा इंटर दबाऊंगा तो देखो हाईलाइट हो जाएगा, जी सुरेश का बनाया हो, बना ना, अब मान लो हमको रमेश का भी बनाना था, किसका रमेश का, लेकिन चेक करें रमेश का बना है, करा नो एंट्री कंटेंट द टैक्स योर टाइप्स, तो पकड़ पकड़ में आ जाएगा ना कि रमेश से रिलेटेड डाटा नहीं बनाएगा, जल्दी से बनाओ नहीं तो डांट पड़ेगा, ठीक है, तो फिर हम आएंगे और यहाँ लिखेंगे मिस्टर रमेश, और अब देखो अब मैं फाइंड करूं इतना ही बना के छोड़ दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, अब रोहन पे हूँ और फाइंड पे आता हूँ, रमेश चेक करें, जी सर रमेश का है,
क्लियर है। चलिए अब ये ऑप्शन दोनों सो में आया होगा। अब है न्यू एंट्री, तो देखो नया बनाने के लिए टैब बटन दबा दबा के सब लास्ट में जा रहे हैं तब नया बना रहे हैं ना। हम सोच रहे बस नाम और बस कंपनी नेम उसका एड्रेस, उसके बाद सब कुछ नहीं देना चाहते, तो कौन टैब बटन दबा दबा के नेक्स्ट जाएगा। यही हम कर देंगे न्यू एंट्री, यही पर नया एंट्री चालू हो जाएगा। नहीं समझे? समझे। और अगला है क्या? डिलीट एंट्री, गलती से बना दिया डिलीट कर दो। रमेश का भी गलती से बना दिया डिलीट कर दो, बस इतना ही रहना है। ये चारों पांचों ऑप्शन समाए, न्यू एंट्री क्या होता है, फाइंड क्या होता है, डिलीट क्या होता है, कस्टमाइज क्या होता है, बस कर देंगे ओके। ओके करते ही कहता लिस्ट कहीं ना कहीं सेव करो, तभी तो मैं काम करूंगा। तो चलो हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते, किसके नाम से? तो हमने वैसे लिस्ट बना दिया, इम्प्लाई लिस्ट सेव कर दिया, तुम जो नाम देना दे देना, ओके कर दो, बस खत्म। अब देखो अब हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए देखो कह रहा है तीसरे स्टेप में राइट योर लेटर, मतलब वो लेटर अब टाइप करो जो आपको उनके पास भेजना है। लिस्ट तो बना लिए, अब लेटर टाइप करिए, ठीक है? तो हम रेडीमेड कुछ हम मैटर ले लेते हैं, एक पैराग्राफ लेते ज्यादा नहीं, मान लो यही मैटर सबके पास भेजना है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, अब इंटर दबा के थोड़ा सा और नीचे आ जाऊंगा, अब वो लिस्ट लाऊंगा कौन सा। देखो अभी ऑप्शन कोई हाईलाइट नहीं था, अब सब ऑप्शन हाईलाइट हो गया, हुआ है ना? अब वो सब करेंगे इंसर्ट मर्ज, फिर क्या क्या दिखाना उस लिस्ट में, तो टाइटल और क्या स्पेस फर्स्ट नेम स्पेस और क्या लास्ट नेम, फिर से इंटर, और क्या दिखाना है कंपनी नेम स्पेस और क्या कंपनी का एड्रेस, ये जरूरी है, और क्या दिखाना है इंटर पिन कोड जरूरी है और फोन नंबर, उसके पास और रहे या ना रहे चलेगा। अभी से बैक आते हैं, जितना बना दिया पूरा तुम्हारी मर्जी, जितना शो कराना उतना शो कराओ। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, होम पे आ जाएंगे और इंटेंट को थोड़ा बढ़ा देंगे। अब पहले ये सब नाम आएगा, तब उस कंपनी का डिटेल आएगा, तब पिन कोड आएगा, तब ये सब मैटर आएगा, और यही मैटर सबके पास भेजना है। अब देखो बहुत इजी है, आ जाऊंगा आप मेल स्टैम्प। अब यही पे देखो ऑप्शन दिया है प्रीव्यू रिजल्ट, मतलब इस पे क्या आएगा वो उसका रिजल्ट हमको देखना है, तो बस हम यहाँ प्रीव्यू कर देंगे। देखो आ गया मिस्टर रोहन मिश्रा, GIT पढ़ रहा हूँ ना, आया। अब देखो अब कोई कहाँ से आ गया, ठीक है? तो लिस्ट बनाया था और लिस्ट भी आ गया, आज जो मैटर बना के रखा वो भी आ गया। अब फायदा क्या होगा, मैटर वही रहेगा, नाम खाली चेंज होगा। अब देखो मिस्टर रोहन की जगह देखो क्या करूंगा, जैसे मैं कर दूंगा यहाँ पे वन है ना, जैसे यहाँ पे कर दूंगा नेक्स्ट, तो आ जाएगा मिस्टर सुरेश यादव GIT कसे। फिर से यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा तो क्या आएगा, मिस्टर अजय शर्मा GIT रामकोला आ रहा जी। फिर से यहाँ पे अगर मान लो सबसे पहले पे जाना है की बार, तो हम यहाँ लास्ट वाले पे क्लिक कर देंगे फर्स्ट, तो रोहन पे आ गया। सबसे लास्ट में जाना है तो लास्ट वाले रिकॉर्ड पे आ जाना है, मतलब एक एक करके देखना है, तो आपको ऐसे एरो की दबाना है, नेक्स्ट रिकॉर्ड नेक्स्ट रिकॉर्ड नेक्स्ट रिकॉर्ड, और एक ही बार में शुरुआत में चले जाना है तो फर्स्ट पे क्लिक कर देना है, और एक ही बार में लास्ट में चले जाना है तो लास्ट वाले पे क्लिक कर देना है, समझे? चलो आता हूं पहले पे। अब देखो अभी तो एक ही पेज पे आया है, क्या दूसरा कोई पेज क्रिएट हुआ है? नहीं हुआ है। अब कुछ और ऑप्शन सीख लो, मैं एक ही बार पूरा बता देंगे। हाईलाइट मर्ज फील्ड, मतलब किस फील्ड को मर्ज किए हैं वो देखना है, तो बस यहाँ पे क्लिक कर देंगे हाईलाइट हो जाएगा, वही तो मर्ज किया हूँ। चलो हटा देता हूँ। एड्रेस ब्लॉक, मतलब एड्रेस ब्लॉक हमारा दिखाई देगा जो हमने बनाया है, मिस्टर मिश्रा रोहन दिख रहा है आपको, ये देखने के लिए उसका यूज करते हैं। अगला ग्रीटिंग लाइन, जैसे ग्रीटिंग लाइन जैसे हम लोग लेटर लिखते तो नहीं लिखते टू डियर, अब टू कहाँ लगाते हैं हमको पता है, डियर कहाँ लगाते वो भी पता है। मान लो आप हमको कुछ भेजते हो मैटर लिख के, तो हमारे साथ क्या लगाओगे, डियर या टू, और हम भेजे तो ठीक है, तो वही है यहाँ पे भी। तो ग्रीटिंग लाइन में ऑप्शन दिया है, ठीक है कि सर क्या लगाना चाहते हो, डियर टू, ठीक है तो यहाँ पे दिया है डियर सर और मैडम, ठीक है जो आपको लेना है आप लिख भी सकते हो और यहाँ से इंसर्ट भी करा सकते हो, तो लिखने से अच्छा होता है क्या करते हैं इंसर्ट कराते हैं, ठीक है? लेकिन यही दिक्कत होती है, पहले नाम हमारा पहले आ जाता है, लास्ट में पहले आ जाता है,
और फर्स्ट नेम बाद आता है, किसमें किसमें डियर उर लगाएंगे तो, इसीलिए इसका यूज हम लोग कम करते हैं, मैनुअली ले जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम छोड़ देते हैं। बस इतना समझना, ग्रीटिंग लाइन कोई पूछे तो बता दोगे। अभी ये मैं पढ़ाया हूँ रूल का क्या मतलब होता है, रूल जो हम लगाए वो रूल रहना चाहिए, इसमें कुछ करना नहीं है हमको, ठीक है। मैच फील्ड का मतलब किससे किससे मैच कराया हूँ, तो देखो टाइटल से टाइटल को मैच कराया हूँ, फर्स्ट नेम से फर्स्ट नेम को मैच कराया हूँ, लास्ट नेम को लास्ट नेम से मैच कराया हूँ, एड्रेस को एड्रेस से मैच कराया हूँ, एड्रेस टू दिया नहीं हूँ, सिटी से सिटी को मैच कराया हूँ, बस ये मैच है। जब तक तो मैच नहीं करेगा तो रिकॉर्ड नहीं आएगा, इसीलिए सही है, इसमें कुछ करेंगे नहीं इधर उधर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हम आपको बताने के लिए इतना दिखा रहे हैं। अब कुछ नहीं करो, यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्या, फाइंड रिसिपिएंट, ठीक है, मतलब अगर जैसे वहां पे फाइंड कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे भी क्लिक करके फाइंड कर सकते हैं। क्या किसका खोजना है, तो रोहन का देख दिखाई दे रहा है हमको, किसका देख लेना है की बार, सुरेश का, देखो नेक्स्ट एक ही बार यहाँ पे सुरेश का आ जाएगा, ठीक है। अब किसका चेक करना है, रोहन का, एक ही बार किसका आ जाएगा, रोहन का, समाया, ऐसे करके भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे इससे काम नहीं चलाना है, हमें तो सब पे रखना है, रोहन का अलग आ जाए, सोहन का अलग आ जाए, मोहन का अलग आ जाए, रमेश का अलग आ जाए, सुरेश का अलग आ जाए, बस मैटर एक ही हो, नाम सब पे अलग अलग हो, वह कैसे करेंगे, तो आ जाएंगे, राइट योर लेटर, सर लिख दिया हूं जो लिखना था, नेक्स्ट करेंगे, फिर से कह रहा है प्रीव्यू योर लेटर, सर हमने देख भी लिया है, नेक्स्ट कर देंगे, कह रहा है कंप्लीट द मर्ज, कंप्लीट कर दो। अब कह रहा है प्रिंट निकाल दूं एक ही बार में, बोलो नहीं सर अभी प्रिंट मत निकालो, एक ही लड़के का निकलेगा, हमको सबका निकालना है, कहाँ करेंगे, एडिट इंडिविजुअल लेटर, क्या ले लेंगे, एडिट इंडिविजुअल लेटर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे दिया आल, एक दिया करेंट और एक दिया फ्रॉम, आल करेंगे तो क्या होगा, तीन लोग हैं तीनों लोग का आएगा, अगर करेंट करेंगे तो जो पहले दिख रहा है वही दिखाई देगा, और फ्रॉम कर देंगे तो कहां से कहां तक, पहले से दूसरा देंगे तो पहले से दूसरा आएगा, पहले से पांचवा करेंगे तो पहले से पांचवा तक जाएगा, और हम बोला नहीं जितना है सबका अलग अलग पेज पे प्रिंट हो जाए, इसके लिए क्या करूंगा, आल, और आल करने के बाद से क्या करूंगा, जी ओके ओके कर दिया। अब देखो ऑप्शन सब गायब हो गए, आपको सर क्या फायदा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ध्यान से सुन लो, यहाँ पे लिखा मिस्टर रोहन मिश्रा और मैटर दिया है, यहाँ पे नीचे जब आओगे दूसरे पे आ जाएगा, देखो मिस्टर सुरेश यादव, मैटर वही रहेगा, अगर तीसरे पेज पे आओगे तो आप लिखेगा मिस्टर अजय शर्मा, तीसरे पे, चौथे पे आओगे चौथा ये नहीं करेगा क्योंकि तीन ही है, क्लियर है। अब क्या होता है, लोग ऐसा ही पहले करते थे, अब करते हैं क्या, इतना हो गया ना, अब यही दबाते थे कंट्रोल के साथ पी, क्या करते थे कंट्रोल पी, और यहाँ पूछा जाता था नंबर ऑफ कॉपी कितना चाहिए, बस यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी क्या कर देते थे, लिख देते थे 1 2 3 4 5 कितना चाहिए, वो लिख के और बस क्या कर देते, प्रिंटर में सेटअप आता था कि आल कर देना है कि करंट वाला करना है या कहाँ से कहाँ तक करना है, वो सेट करके बस प्रिंट कर देते, प्रिंट निकल के चला आता था। अब एक पोस्ट ऑफिस वाले पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करते थे, अब पोस्ट डाक किया लेके जाता था, देता था, पत्र को खोलते थे पढ़ते थे, ठीक है, तब हम लोग आते थे, नहीं आना होता तो फिर हम लोग भी लिखते थे लेटर कि सर इस कारण हम नहीं आ पाएंगे, उस ऑफिस में जाता था, उस कंपनी में जाता था, वो देखता था तो लिख चढ़ाता था, ये सब प्रोसेस चलता है, आज सिंपल है, नहीं आना है मैसेज कर देते हैं, कुछ ग्रुप में मैं इंफॉर्मेशन भेजना है तो मैसेज कर देते हैं, फायदा क्या होता है, ठीक है, टाइम कम लगता है, सबको जल्दी इंफॉर्मेशन पता चल जाता है, सेकेंडों में पता चल जाता है, तो रिप्लाई भी लोग दे देते हैं कि यस या नो या मे बी, ठीक है, जो भी देना हो दे सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, मे भी कर देंगे, यस कर देंगे, जी सर आएंगे ही आएंगे, उसकी सर व्यवस्था करेंगे, नो कर देंगे, मतलब समझ जाएंगे नहीं आने वाला है, ठीक है, एक लाल मोहर कमी रखो, हाँ जितना आएंगे उतना ही तो रिकॉर्ड रखेंगे, पता चल जाता है, तो ये तरीके ऐसे कंडीशन से यूज करते हैं, अदर कोई यूज नहीं है, फिर भी आप लोगों को पढ़ाया इतना मेहनत से, तो आप लोग मेहनत से प्रयोग कर लीजिएगा, आगे चल के हम लोग फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े, अगर कोई कह देता करके दिखाइए तो करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है, चलिए तब तो।